Namaskar and welcome to News Bearer Hufflong. And here are today's top stories. On Thursday, 29 August, the 93rd Martyr Day of Veer Hepao Jadonang, a revered freedom fighter of our nation, was solemnly observed in Dima Haso. The commemorative event took place at the District Library Auditorium in Hufflong, with a day-long program that paid tribute to his legacy. The presence of Nagar Kachar Hills Autonomous Council's Chief Executive Member, Debolal Golosa, who served as the Chief Guest, along with Executive Member Podeming Riam, the Guest of Honour. The event was also attended by members of Autonomous Council and other dignitaries. Speaking on the occasion, Chief Executive Member Debolal Golosa highlighted the remarkable sacrifice and valour of Veer Hepao Jadonang, emphasising his crucial role in the struggle for the nation's freedom. सीमा हासाओ हो नॉर्थ ईस्ट में हो बहुत लोग ट्राइबल लोग हम लोग फाइट किया अपना समाज के लिए अपना भाषा के लिए अपना कम्युनिटी के लिए फिर हाइपो दानोनांग का कचर एरिया में शायद उसको हैंड किया होगा ना कचर एरिया में उसी एरिया में दिमा हासाओ का समुद्र कुंभों को भी वहां पे हैंड कर दिया तो इस मैंने ऐसा वहां पे होके आया हम लोग का जेमी दिमा हासा हर कम्युनिटी लोग फाइट कर करके आए लेकिन दुख का बात है हम लोग आजादी मिला रात के मोर के चांद देखे लेकिन आजादी मिलने का बाद में हम लोग जैसा आजादी होना चाहिए जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए जैसा तकलीफ दुख से दूर होना चाहिए ऐसा हो नहीं पाया लेकिन अभी मोदी जी और हेमंत जी और आप लोग का सरकार आप लोग का आशीर्वाद से हम लोग भी काम करने मिला हम विश्वास से कि हाइपो दानोनांग हो रानीमा गाइडेन हो समुद्र पोंगलो हो जो लोग अपना समाज अपना कम्युनिटी के लिए जान बलिदान देके आया उनको मान सम्मान देके उनको याद आके अभी हम लोग मोदी जी हेमंत जी आप लोग का सरकार हम लोग काम करेगा और पूर्ण विश्वास है दिमा हाथों का जनता का ऊपर में जेनी कम्युनिटी का ऊपर में और इसीलिए हम बार बार बोलता हम एक बार बोल दिया तो हम लोग करना ही होगा तो इसीलिए हम बार बार बोलता है इधर शिनो एरिया और हम लोग का काउंसिल का एरिया में हम लोग का एक साल का आंदोलन में हाइपो दानोनांग का इश्यू होने ही होगा और करके रहेगा ये हाँ तो ये चीज कोई बोले की हिम्मत नहीं लेकिन हम हिम्मत है क्योंकि हम तो तकलीफ में दुख में हमको जेबी कम्युनिटी साथ में दिया हर चीज में साथ में दिया है खाली अभी ये विषय बनने में हम वो बात नहीं होता हर चीज में साथ में दिया एक बार बोल दिया तो हम लोग करना ही होगा तो इसीलिए हम बार बार बोलता है इधर शिनो एरिया और हम लोग का काउंसिल का एरिया में हम लोग का एक साल का आंदोलन में हाइपो दानोनांग का इश्यू होने ही होगा और करके रहेगा ये हाँ Executive Member Podeming Riam also honored Jadonang's memory by recounting his life history and the ultimate sacrifice he made for the nation. The observance of Martyr Day serves as a poignant reminder of the sacrifices made by our freedom fighters. Mention be made here that on the day council declared local holiday.
You are watching News Bearer Haflong. Stay tuned for more news updates. I pull the Danang 93 third martyr day ka hum log observe kiya tha in sil a dimasau district se a asme district library auditorium se observe kiya hum log ka asme jaise program banaya jaise hum log ka chief guest bhi position saka mr chief cm Dipral Golosha ne asme pura hum log ko sath mein milke program pura प्रोग्राम सक्सेस हुआ. इसके बाद में हम लोग का ये अपो दतनंग का मानता है आज में 93 साल हम लोग मान चुका है. मैंने किस लिए हम लोग का अपो दतनंग को हम लोग मानने लगा तो अपो दतनंग का मकसद है हम लोग का अपो दतनंग का मोमेंट है ये अपना रास फ्रीडम फाइटर जो शुरू होने का साथ साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको हिंसा से तो इसको हैंग करने लगा 1931 को इसको इंफाल नंबुल नाला का सामने में इसको फांसी होने लगा. इसका वजह से हम लोग का हर एक साल इसको दुख इसका आत्मा शांति होने के लिए हम लोग हर एक साल हम लोग इस आज 29 अगस्त को हमेशा ऐसे हम लोग ऑब्जर्व मानते हैं. इसलिए हम लोग और किस्सा करने से हम लोग का आगे बढ़ेगा. किस्सा करने से हम लोग का हाइपो जदोनांग का मांग हम लोग का हाइपो जदोनांग का जो सुस विचार तो कब पहुँचेगा. किस्सा है हाइपो जदोनांग ने हम लोग को बताया इसे दुनिया में आजकल न्यू जनरेशन के लिए जो भगवान विष्णु भगवान का मंदिर से कैब से पूरा हम लोग का गाना मंत्रो जितना से सब कुछ सिखाया वही हम लोग को हाइपो दतनंग और रनिमा मिल के हम लोग अभी हम लोग फॉलो करके आगे बढ़ती है. तो ऐसे आज में हम लोग बोला अनाउंस किया था हम लोग जो एप्लीकेशन भी किया था हम लोग का ट्रस्ट कमिटी की तरफ से तो हम लोग का सीएम साहब ने बोला विद इन टाउन का अंडर में ये हम लोग का इसका पीरियड में ये साल का अंडर में वही स्टेचू भी बना देगा बोल के हम लोग सब खुशी से ताली भी बजा दिया और मिलेगा भी होगा मिलेगा भी है देगा भी होगा. इसीलिए बहुत बहुत हम लोग का सीएम साहब को भी धन्यवाद देते हैं. थैंक्स.